नारायण नारायण। आदरणीय भाई और बहनों, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि प्रकृति जो संदेश, नारायण जो संदेश मेरे माध्यम से आप सभी तक पहुँचाना चाहते हैं, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुंचा सकूं। नारायण नारायण नारायण। हमारी प्रार्थना और मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, हे नारायण, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, प्यार आदर सम्मान प्रशंसा जैकपॉट से भरा हुआ। हे नारायण, हमारे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है, असीम शांति है, असीम शांति है, और हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, सभी कुछ हमारे अनुकूल है। हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम पर नारायण की असीम कृपा है, असीम कृपा है, असीम कृपा है। नारायण आपका धन्यवाद है, हमारा घर सुख शांति समृद्धि से भरा हुआ है और पूरी तरह सुरक्षित है। हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हैं, सफल हैं, सफल हैं। थमा दीजिए नारायण के हाथ में अपना हाथ और नारायण नारायण बोल दीजिए, नारायण 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 नारायण, ताकि ये पकड़ मजबूत हो जाए। नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि नए साल का हमारा ये पहला ही सत्संग है, और आप सभी को हैप्पी संक्रांति, ढेर सारी बधाई त्योहार की भी और नए साल की भी। नारायण नारायण नारायण। ऐसा भाव ऐसा चाव कि 2018 आप सभी के लिए जैकपॉट से भरा साबित हो, जैकपॉट से भरा साबित हो। नारायण 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 नारायण। तो आइए जानते हैं किस नए साल की बाबत अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव क्या कहना चाहते हैं। तो सत्संग की शुरुआत अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव के माध्यम से। अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव कहते हैं कि लो आ गया फिर से एक और नया साल, और इस नए साल में हम बहुत कुछ नया करना चाहेंगे। तन को भी स्वस्थ रखना चाहेंगे, मन को भी स्वस्थ रखना चाहेंगे, और एक नजर अपनी आदतों पर भी डालना चाहेंगे। कहते हैं राघव, यकीन मानिए कि यदि ये साल आपके जीवन में आया है, जो कि आ चुका है, आज 14वां दिन आया है इसे, यदि आपके जीवन में आया है तो निश्चित है ये आपको जीवन में ऊंचाई पर ले जाने के लिए आया है। कहते हैं राघव कि दशकों से या सदियों से कह लीजिए, एक रीत सी चली आ रही, एक परंपरा से चली आ रही है कि जब भी नया साल आने वाला होता है, हम उसके पहले से लिस्ट बनाने शुरू करते हैं, रिजोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, संकल्प लेना शुरू करते हैं कि इस साल हम अपनी काया पलट कर देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे आने वाले साल में। और सबसे अधिक वरीयता, प्राथमिकता दी जाती है हेल्थ को कि वॉकिंग शुरू करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, इनको प्राथमिकता दी जाती है। पर कुछ समय से हल्का सा बदलाव आया है, लोग अपने आप को स्वस्थ तो करना ही चाहते हैं,
साथ ही साथ अपने आप को मानसिक रूप से भी मजबूत करना चाहते हैं। अपने भीतर की हताशा निराशा बाहर निकालना चाहते हैं। कहते हैं राघव कि यदि आप जरा सा भी बदलाव भीतर लाते हैं, जरा सा भी, तो आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना है। और फिर ये 2016-2018 आपके लिए न सिर्फ भाग्यशाली साबित होगा बल्कि सुपर भाग्यशाली साबित होगा। हमने पूछा राघव से क्या करना होगा इस 2018 को सुपर भाग्यशाली बनाने के लिए, तो जानते हैं वो क्या कहते हैं कि क्या बदलाव हमें करना होगा। कहते हैं राघव कि हम शुरुआत करते हैं अपने घर से। घर में जो भी टूटी फूटी चीजें हैं, टूटा फूटा सामान है, उसे बाहर कर दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा, अधिकांश लोग हम में से ऐसा करते हैं, किसी सुंदर सी वस्तु का हैंडल टूटा, ढक्कन टूटा, हम सहेज सहेज के रखते रहते हैं कि जब इसकी मैचिंग का हैंडल मिलेगा ऐसे वापस खड़ा कर देंगे, ढक्कन मिलेगा ऐसे वापस रख देंगे, है ना। बरसों तक सहेज के रखते हैं और जितनी बार आपका ध्यान उस वस्तु की ओर जाता है, तो जिसके हाथों वो टूटा उसकी याद आती है, फिर उसकी लापरवाही की वजह से टूटा उसको कोसते हैं, और जब आप उसे कोसते हैं आप नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रण देते हैं, फिर यही नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर हताशा निराशा का निर्माण करती है। बेहतर होगा उस वस्तु को वहां से हटा दें और जो जगह खाली हुई है वहां पर सुंदर सा कोई शो पीस रख दें, ताकि जितनी बार आप उसे देखेंगे फील गुड का भाव भीतर आएगा और आप सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अब बढ़ते हैं, राघव कहते हैं कि अब बढ़ते हैं आपकी अलमारी की ओर, जिसमें कई सारे कपड़े ऐसे रखे हैं जो साल से, दो साल से आपने पहने नहीं है। यदि एक साल से आपने नहीं पहने हैं तो समझ लीजिए आगे भी उसके पहनने की संभावना नहीं है। निकालते जाइए, गिफ्ट कर दीजिए, डोनेशन में दे दीजिए, पर निकालिए। क्योंकि ओवरलोडेड अलमारी को देखकर भी तनाव आता है उसे मेंटेन करने में, और ये तनाव ही आपके भीतर हताशा निराशा का निर्माण करता है। ये तो हुई राघव कहते हैं कि भौतिक सफाई की बात। अब आते हैं मानसिक सफाई पर, और जब आप मानसिक सफाई करना शुरू कर देंगे तो आपको एहसास होगा कि ये भौतिक सामानों ने ही आपका घर भर रखा था, ऐसा नहीं है। यहां पर भी हमने कई सारी नकारात्मक बातें यादें जमा कर रखी है, जिसने दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा घेर रखा है। उसका असर हमारी खुशी पर, हमारी ऊर्जा पर, हमारे भविष्य पर। तो क्या करना होगा? जो भी पुरानी बातें यादें प्रसंग ऐसे जीवन में घटित हुए जिनसे आपको दुख पहुंचा, जिस क्षण घटित हुए आपको दुख हुआ, आपका दुख का कोटा पूरा हो गया, अब बारंबार बरसों बाद उसे याद करके वापस दुखी न हुए। जो ही दुख होगा हताशा निराशा का निर्माण आपके भीतर होता चला जाएगा, तो मानसिक मजबूती कहां से आएगी? यदि किसी पर आपने बहुत विश्वास किया, बदले में उसका अपोजिट आपको मिला, आपने किसी कार्य में बहुत मेहनत की पर सफलता हासिल नहीं हुई, किसी को आपने बहुत प्रेम दिया और फिर आपने बहुत उम्मीदें रखी
अगला भी हमें प्रेम देगा, आदर सम्मान देगा, नहीं मिला। इन चीजों को पकड़ कर मत रखिए, छोड़ते जाइए। यदि पकड़ कर रखते हैं तो अगेन आप दुख का निर्माण स्वतः के लिए करते हैं। तो न सिर्फ भौतिक वस्तुओं में, कहते हैं राघव कि आपके घर की बहुत अधिक जगह रोक रखी है, बल्कि मानसिक रूप से भी आपने कई बातें, यादें, प्रसंग यहाँ पर इतना स्टोर कर रखा है कि आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसने ले रखा है और उसका असर आपके भविष्य पर पड़ता है। भविष्य हमारा फिलहाल क्या है? 2018। क्या है भविष्य? फिलहाल 2018। तो जो जो आप मानसिक सफाई, भौतिक सफाई करते जाएंगे, दोनों में तुलना करेंगे, तब पाएंगे कि भौतिक वस्तुएं आपके जीवन में उतनी रुकावटें नहीं डाल रही थी जितनी मानसिक बातें, यादें, नकारात्मक बातें, यादें आपकी बढ़ोतरी में रुकावट डाल रही थी। तो सबसे आसान तरीका क्या है इससे बाहर निकालने का? कि जो बातें, यादें, प्रसंग घटित हो चुके हैं, उस क्षण हम दुखी हो चुके हैं, हमने कोटा पूरा कर लिया, उन्हें लेट गो करते जाइए, सिस्टम से हटाते जाइए, ताकि जब वो हटेंगे तभी तो सुख भीतर प्रवेश करेगा। तो नए साल में ये एक नए व्यक्ति बनकर बाहर निकले। यदि खुश, आनंद, उत्साह भरा जीवन चाहते हैं तो कुछ नियम ले लीजिए हेल्थ के लिए। नियमित वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, कुछ भी हेल्दी फूड खाना, क्योंकि ये चीजें न सिर्फ आपकी हेल्थ को ठीक रखती है बल्कि मानसिकता को भी मजबूत करती जाती है। दोनों चीजें साथ में चलती है। परिवार के साथ अधिकाधिक समय बताएं, मैक्सिमम समय, और प्यार का माहौल अपनी तरफ से रखें। और यदि आप इसी जीवन में, राघव कह रहे हैं ये बात, अध्यात्म में मिस्टर राघव कह रहे हैं कि यदि आप इसी जीवन में अपने सारे सपने सच करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका, इसी जीवन में, क्योंकि मनुष्य जीवन एक ही बार मिलता है, तो जो भी रेड पेन जी, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, शिकायती स्वभाव, निंदा, ईगो, इन्हें सिस्टम से बाहर निकाल दीजिए। देखिए इनको, और कोई भी व्यक्ति या वस्तु आपको ऊंचाई पर चढ़ने से, आगे बढ़ने से नहीं रोक रहा है। सिर्फ 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 हमारा ये स्वभाव हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तन को अस्वस्थ कर रहा है, हमारी हेल्थ को, वेल्थ को, दोनों पर असर ये करता है। इन्हें बाहर निकालिए। जो ही इसे आप बाहर निकालते हैं, ये बाहर निकालते से ही इसका स्थान ले लेती है अच्छाई, भलाई, करुणा। क्योंकि प्रकृति रिक्त स्थान पसंद नहीं करती। जो ही वो चीजें निकली, ये चीजें भर जाएगी, और जो ही ये चीजें भरी, इनके साथ साथ सुख, शांति, समृद्धि, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये साथ साथ चलते हैं। इनका चोली दामन का साथ है, ये एक साथ ही रहते। जो ये चीजें आई, ये इसके साथ साथ आती है। तो जो यदि आप इसी जीवन में अपने सारे सपने पूरे करना चाहते हैं
तो भीतर से ईर्ष्या द्वेष शिकायत निंदा का भाव निकाल दीजिए। जो ही वो निकला प्रकृति इससे आपको भर देगी, और जो ही ये भरा ये चीज तो साथ में आनी ही है। तो ये तो थी बात अध्यात्म गुरु मिस्टर राघव की। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राधिका आप तक अपनी क्या बात पहुंचाना चाहती है। राधिका कहती है कि मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, मेरे हाथ में चाय का कप था और मेरा ध्यान कमरे के उस कोने पर था जो कुछ समय पहले तक हरा भरा था और इस क्षण वो वीरान है। अभी कुछ समय पहले की बात है, कुछ देर पहले की बात है कि उस कोने में मेरा सुंदर फर्नीचर रखा हुआ था, कलाकृति सुंदर रखी हुई थी, फर्नीचर लकड़ी का फर्नीचर। मैं उसे निहारते हुए बैठी थी, उस सुंदर फर्नीचर को मैं बैठी बैठी निहार रही थी। उस फर्नीचर से मुझे बहुत प्रेम था, उस शोपीस से मुझे बहुत प्रेम था। मैंने बहुत मन से बनवाया था, मैंने अपने पैसों से बनवाया था। हालांकि थोड़ा पुराना हो गया था पर फिर भी नया सा लगता था और मैं उसे बैठी बैठी निहार रही थी। जब मैं उसे निहार रही थी तो मैंने मुझे एक छोटी सी पपड़ी उस पर दिखाई दी। मैंने अंगली से जरा सी पपड़ी हटाई, जो ही हटाई तो मैं धक्के रह गई। भीतर दीमक की सेना भरी हुई थी जबकि बाहर से ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, पर उस छोटे से जंतु ने पूरा फर्नीचर खोखला कर दिया था। अब मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था सिवाय इसके कि उसे मैं बाहर निकालूं। पूरा खोखला हो चुका था। उसे बाहर निकालने के लिए राधिका कहती कि मुझे बहुत हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि बहुत प्रेम से चाव से अपने खुद के पैसों से उसे मैंने बनवाया था और बहुत हिम्मत बटोर कर मैंने उसे बाहर किया। अब वो घर का कोना वीरान सा लग रहा था और मैं उसे देख देख कर दुखी होती जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि मुझे अपने आप को और दुखी नहीं करना है। जब तक मेरा ध्यान उस ओर रहेगा मैं दुखी होती रहूंगी। तो मैंने झट खड़ी हुई में अपने आप को दुखी अधिक नहीं करना है, मैंने जूते पहने और इवनिंग वॉक के लिए निकल गई। हमारी जो सोसाइटी है उसके नज़दीक एक छोटा सा पार्क है, वहां पर पार्क के रास्ते में जब उस ओर बढ़ रही थी तो एक पतली सी गली आती है। उस गली में दोनों ओर छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं और उस पर रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। हमेशा तो मैं उन पौधों को उन फूलों को निहारते हुए जाती हूँ वॉक करते हुए, पर आज मेरा मन बेहद सुस्त था, निराश था, क्योंकि मेरा वो फर्नीचर, कलात्मक फर्नीचर मेरे दिमाग में घूम रहा था। तो मेरा मन बाकी चीज़ों में रम नहीं रहा था। मैं बस चलते चली जा रही थी कि इतना महंगा फर्नीचर, इतना भारी फर्नीचर उस जंतु ने कब अंदर से खोखला किया मुझे पता ही नहीं चला। आगे बढ़ती जा रही थी, अपने विचारों में डूबी हुई थी। मुझे विचारों की गहराई में से निकाला एक मीठी सी चहकती हुई प्यारी सी आवाज ने। ये देखने के लिए मैंने ऊपर पेड़ों पर झांका कि किस पक्षी की आवाज है इतनी मीठी इतनी प्यारी। तो देखा तो एक सुंदर सी चिड़िया थी जो चहक रही थी और जिस डाली पर वो बैठी हुई थी उसके नजदीक ही छोटा सा घोंसला भी बना हुआ था। और घोंसला देखना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं नजदीकी पार्क के बेंच पर बैठ गई और बैठी बैठी उस घोंसले को, उस चिड़िया को निहार रही थी। और मैं देख रही थी वो चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, मेहनत करके उड़ती, एक एक तिनका जोड़ती, घोंसला बनाती अपने बच्चों के लिए। मैं उसे निहारते हुए बैठी ही थी कि एकाएक मौसम एकदम बदल गया। तेज आंधी की तरह हवाएं चलने लगी, बिजली कड़कने लगी और तूफानी बरसात शुरू हो गई।
अपने आप को बचाने के लिए मैं भागी, एक शेड सा बना हुआ था वहाँ पर, वहाँ जाकर बैठ गई और मैं प्रकृति की व्यवस्था देख रही थी कि 5 मिनट के भीतर भीतर सारे पेड़ पौधे नहा लिए जिन पर मोटी मोटी मिट्टी जमी पड़ी थी और चारों ओर हरियाली छा गई। अच्छा लग रहा था देखना बरसात को और चारों तरफ हरियाली को। निहारते निहारते मुझे याद आया कि अरे वो चिड़िया की क्या व्यवस्था हुई होगी, छोटी सी चिड़िया उसका घोंसला इतनी तूफानी बरसात में बच पाया होगा क्या। अब सारा ध्यान मेरा उस चिड़िया की ओर चला गया कि बेचारी कितनी मेहनत से बना रही थी पर इतनी तेज बरसात में कैसे बच पाया होगा। थोड़ी देर में बारिश थमी, मैं भागी उस पेड़ की ओर जिस पर मैंने देखा था चिड़िया का घोंसला। जब मैं वहां पर पहुंची और मैंने डाली की ओर देखा, न घोंसला था न चिड़िया थी। देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं पहले से दुखी थी मेरे फर्नीचर को लेकर और अब इसको देखा मैंने कि इतनी मेहनत से उस छोटी सी चिड़िया ने घोंसला बनाया, बस एक तूफान का झोंका आया सब कुछ तहस नहस कर गया। और बेचैन सी दुखी सी मैं अपने कदम आगे बढ़ा ही रही थी कि वापस मुझे वही मीठी सी आवाज सुनाई दी। मैंने वापस ऊपर देखा तो उसी डाल पर वही चिड़िया बैठी हुई थी, उसी तरह चहकते हुए मीठी आवाज निकालते हुए। घोंसला तो था ही नहीं पर मैं उसे निहारने के लिए वह उसी बेंच पर बैठ गई। मैंने देखा कि उसी तरह चहकते हुए उसने वापस तिनके जुटाने शुरू किए, वापस घोंसला बनाना शुरू किया। और जब मैंने ये दृश्य देखा कि उतनी ही खुशी और आनंद के साथ चहकते हुए वापस अपने नीड़ का निर्माण कर रही है वो, तो मैं क्यों उस छोटे से फर्नीचर के प्रति इतनी आसक्ति, इतना डिस्टर्ब हो रही हूँ। मुझे एहसास हुआ कि इस छोटी सी चिड़िया ने उसके जीवन में तो कितनी चुनौतियां देखी, पूरा घोंसला रेडी था, एक झटका आया नष्ट हो गया, उसका तो पूरा घर नष्ट हो गया। इसके बाद भी उसी आनंद उसी उत्साह के साथ उसने वापस उस घोंसले का निर्माण शुरू कर दिया। कहती राधिका कि मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सबक सीखने मिला कि मेरा छोटा सा फर्नीचर खराब हुआ, मैं इतनी दुखी हो रही हूं और ये छोटा सा पक्षी इसका तो पूरा घर बह जाने के बावजूद ये उतनी खुशी आनंद के साथ उसका निर्माण कर रही है। और उसकी चहकती आवाज मुझे जता रही थी, बता रही थी कि सब कुछ ठीक है, तुम मेरे लिए बेचैन मत हो। कहती है मैं भी उतने उत्साह से, कहती राधिका मैं भी उस उत्साह से भर उठी कि मुझे भी अब जाकर उतना ही उत्साह से अपना घर वापस सजाना है। उत्साह से भरी हुई पुराना गीत गुनगुनाती हुई मैं घर की ओर बढ़ी। जाके मैंने सोच लिया कि उस कोने में मुझे एक सुंदर सा मंदिर बनाना है ताकि वहाँ बैठ के मैं ध्यान साधना कर सकूँ। कहती राधिका कि मुझे शास्त्रों में लिखी वो बात याद आ गई कि ईश्वर जो कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है, हमारे मंगल के लिए करता है। यदि उस फर्नीचर में दीमक न लगा होता और मैं दुखी ना होती तो न मैं वॉक के लिए जाती, न मुझे वो इतना बड़ा सबक जीवन का मिलता। और उस सबक ने न सिर्फ उस छोटे से वीरान जगह के लिए मेरी मदद की बल्कि जीवन में जब जब भी चुनौतियां मेरे सामने आई मुझे चिड़िया आती कि जब वो कर सकती है तो मैं भी तो कर सकती हूँ। और ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है।